हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं राजमा की रेसिपी। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 कप राजमा को ओवरनाइट सोक कर लिया था। उसके बाद प्रेशर कुकर में थोड़ा सा नमक देके इसको 2 से 3 सीटी लगा लिया, मतलब जब 90% सॉफ्ट होने तक मैंने इसे कुक कर लिया बेसिकली। उसके बाद मैंने एक कढ़ाई में करीबन 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल लिया और उसमें मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून भर के घी डाल लिया। अगर आपके पास घी ना हो तो आप बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे घी मेल्ट हो जाए, ज़ीरा 1 टीस्पून ऐड कर दीजिए। थोड़ा सा स्प्लटर होने के बाद 1 टेबल स्पून ग्रेटेड जिंजर गार्लिक ऐड कर लीजिए। इसको जितना फाइनली ग्रेट कर सकते हैं या तो फिर ग्रेटर के हेल्प से भी आप ग्रेट कर लीजिए चलेगा। तो 3 बड़े सारे प्याज को ना फाइनली चॉप कर लीजिए। वो ट्रांसलूसेंट होने तक हमें इसे कुक करना है। इस स्टेज में थोड़ा सा नमक ऐड कर लीजिए ताकि कुकिंग प्रोसेस थोड़ा सा फास्ट हो जाए। जब प्याज अपना कलर चेंज कर दे उस वक्त हम सारे ड्राई मसाले ऐड करेंगे। जैसे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर हो गया, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून आपका ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून दरदरा सा पीसा हुआ धनिया पाउडर है और 1/2 टीस्पून गरम मसाला है। इस सारे चीज़ों को हम डाल लेंगे, थोड़ा सा भून लेंगे और ताकि इसका कच्चापन चला जाए। और उसके बाद जो डालना है ना यहाँ पर टमाटर, टमाटर भी मैंने 3 बड़े सारे टमाटर को ग्रेट कर लिया। आप मिक्सी में भी इसको इसका प्यूरे बना के भी डाल सकते हैं और बस इसको पकाना है। तब तक पकाइए जब तक इसका ना कच्चा पन ना चला जाए और उसके बाद ऑयल लूज आउट होने तक हमें इसे कुक करना है। मसाले अच्छे तरीके से भुन गए हैं, अब इस स्टेज में हम कुक्ड राजमा ऐड कर लेंगे। राजमा अच्छे तरीके से कुक्ड हो जाने चाहिए। देखिए आप इसको देखिए ये अच्छे से फूले फूले हैं। ऐसे ही आप इसको डाल के ना अभी हम इसको और ज़्यादा पकाना है। इसको मीडियम फ्लेम में आप इसको आगे कुक होने दीजिए ताकि अच्छे से बीन्स के अंदर, राजमा के अंदर भी मसाले का स्मेल चला जाए। इस स्टेज में मैंने थोड़ा सा चिली फ्लेक्स ऐड किया और नमक एडजस्ट करके मैंने डाल लिया। मुझे थोड़ा सा तीखा ज़्यादा पसंद है तो मैंने ऐड किया। देखिए यहाँ पर राजमा को मैं तोड़ के भी दिखा रही हूँ कितना सॉफ्ट है, एकदम सॉफ्ट। जैसे ऐसे ही हो जाने के बाद ना हम इस पर थोड़ा सा और मैंने यहाँ पर घी ऐड कर दिया। अभी घी जैसे थोड़ा सा ऐड करने के बाद इसको और थोड़ा देर कुक करें। एंड में जो हमने डाल रहा है ना ये होता है जूलियंस। मैंने 1 इंच के अदरक का जूलियंस बना लिया और काफ़ी सारे धनिया पत्ता मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया। सिंपल सी रेसिपी है, ज़्यादा तामझाम नहीं, इसमें ज़्यादा मसाले नहीं गिरते हैं। अच्छा लगा टेस्ट में। एज सच मैंने बहुत बार राजमा तो ट्राई नहीं किया, ये शायद मैं फ़र्स्ट अटेम्प्ट है मेरा राजमा बनाने का। बट इस चावल के साथ वाकई में अच्छा कॉम्बिनेशन है। आप इसे वाइट राइस के साथ यूज़ कीजिए और थोड़ा सा दही पुदीने का चटनी मैंने यहाँ पर डाला। और आप मिर्ची को भी ना इसका मिर्ची को भी तल लें और उसके साथ ये कॉम्बिनेशन में खाएँ, काफ़ी मज़े का लगता है। आई होप आपको मेरा ये रेसिपी पसंद आया। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय।